तेज खबर 24 में इस वक्त की बड़ी खबर चुराड़ा थाना क्षेत्र के नवस्था स्थित जेपी सीमेंट फैक्ट्री से आ रही है, जहां सैलो में पाइप फिटिंग का काम कर रहे दो श्रमिकों के ऊपर मलबा गिर जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां मृतक सहित घायल के परिजन भी पहुंचे हैं और हंगामा कर रहे हैं। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची है और परिजनों को समझाइश देने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं श्रमिकों के परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया गया है कि दोनों कर्मचारी ठेकेदार के अंडर पर काम कर रहे थे। घटना के संबंध में बताया गया कि आज दोपहर तकरीबन 3:30 बजे मृतक समयलाल साकेत निवासी नवस्था सहित विश्वकर्मा नामक व्यक्ति सैलो के अंदर पाइप लगाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान दोनों के सिर पर ऊपर से फैक्ट्री का मलबा गिर गया, जिससे समयलाल साकेत की मौत हो गई, जबकि विश्वकर्मा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। परिजनों का आरोप है कि फैक्ट्री के ठेकेदारों द्वारा सुरक्षा मापदंडों को पूरा नहीं किया जाता, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। अस्पताल में हंगामे की स्थिति निर्मित है। मौके पर पुलिस पहुंची है और परिजनों को समझाइश देने का प्रयास कर रही है। वो जेपी कंपनी में हम लोग पाइप लगा रहे थे, वहीं पर ऊपर फैन के अंदर फैन टाइप बना था, वो वहीं पाइप लगा रहे थे। हम लोग पाइप लगा लग गई थी, टाँका टूका लगा रहे थे, ऊपर से मटेरियल गिरा उनके मुड़े में, वो टकरा के उनका गिर गए, उनके बासों में लग गए। कितने लोग? दो आदमी वहाँ थे, हम लोग वहीं पर बाहर खड़े थे, वहीं पर बगल में हम लोग वहीं पर खड़े थे, कंपनी वाले भी आदमी थे। फिर मलबा गिरा है, अंदर अंदर काम कर रहे थे, उसके अंदर काम कर रहे थे। परमानेंट काम करते थे ठेकेदारी में? हम लोग ठेकेदारी में। ठेकेदारी में? हाँ हाँ। कितने बजे की घटना है? अभी 3:30 के आसपास। कहाँ के रहने वाले थे, क्या नाम है? ये नवस्था के हैं, साके समय ला साकेत। हाँ, नवस्था के। क्या नाम है इनका? समय ला साकेत। किसकी लापरवाही, किसकी मानते, किसकी लापरवाही से गिरा है? लापरवाही होगी, आप आदमी काम करता है, लेकिन अब किसको बोल दे, किसकी भाई, लेकिन कंपनी भाई फैन के अंदर काम कर रहे हैं हम लोग, और बाकी साफ सुथरा वहाँ पहले था, इसके बाद का जाने की काम का दीजिएगा अंदर से। मंजिल से नहीं गिरे भाई, मलबा गिरा ऊपर से। नाम क्या आपका? मैं सुखेंद्र पांडे। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर रीवा जिले के चौड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत नवस्था जेपी सीमेंट फैक्ट्री से, जहां दो श्रमिकों के ऊपर मलबा गिर जाने से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के बाद परिजन हंगामा कर रहे हैं।